हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल न्यूज ऐप पर डार्क मोड फीचर को एक्टिवेट करने का तरीका बताऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से गूगल न्यूज ऐप पर डार्क मोड फीचर को एक्टिवेट करके गूगल न्यूज ऐप को डार्क मोड में चला सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी गूगल न्यूज ऐप को डार्क मोड में चलाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए, मैं लिए चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, गूगल न्यूज ऐप पर डार्क मोड फीचर को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले गूगल न्यूज ऐप को ओपन करें। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करें। वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब आप देख सकते हैं पूरा का पूरा स्क्रीन अभी लाइट नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी लाइट मोड में है इसीलिए लाइट नज़र आ रहा है। डार्क मोड फीचर को एक्टिवेट करने के बाद पूरा का पूरा स्क्रीन डार्क हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, डार्क मोड फीचर को एक्टिवेट करने के लिए ऊपर की ओर राइट साइड में नज़र आ रहे प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करते ही इस तरह से विंडो खुलकर आएगा। विंडो खुलने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर न्यूज सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। न्यूज सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस तरह से इंटरफेस खुलकर आएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर डार्क थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। डार्क थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही इस तरह से विंडो खुलकर आएगा। विंडो खुलने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर पहले नंबर पर नज़र आ रहे ऑलवेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। ऑलवेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही देख सकते हैं पूरा का पूरा स्क्रीन डार्क हो चुका है, यानी कि अब गूगल न्यूज ऐप पर डार्क मोड फीचर एक्टिवेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप भी गूगल न्यूज ऐप पर डार्क मोड फीचर को एक्टिवेट करके गूगल न्यूज ऐप को डार्क मोड में चला सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।